हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की ये सीरीज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपको पता है कि व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेसंस। सो नेशनल मूवमेंट 1905-1918 ये हमारा सेंटर है डिस्कशन का। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। सो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो होनी शुरू हुई थी उसको आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट फेज को जो कि 1907 से 1917 तक था। 1917 के बाद 1920 तक का जो टाइम पीरियड पाया जाता है जहां से आपका फॉलोआउट फिर लास्ट में होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, उसे हम सेकेंड फेज कहते हैं जिसे हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इस समय हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो फॉलोआउट होता है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का, जो कि उसके बाद 1917 तक ये चीजें मतलब शुरू रहती हैं, वो होता है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का टाइम पीरियड। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि सूरत स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ये जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके डिवाइडेशन हुई थी, एंड उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी में क्या क्या फर्क था, उनमें अगर आप कहो डिफरेंसेस क्या क्या थे तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इनके मेथड्स अलग अलग थे। अगर मॉडरेट्स कहो तो भी वो भी एक तरीके से फेलियर थे क्योंकि वो लोकल मासेस तक बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पाए थे, उनको पॉलिटिकल वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे उनको, क्योंकि उनको लगता था कि सबसे पहले इनको पॉलिटिकली एजुकेट होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर आप एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हो तो उनमें कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, वो भी कहीं ना कहीं अपने मेथड्स में फेल्योर साबित हुए थे। वो हालांकि यूथ को एक हद तक एनकरेज करने में सक्सेसफुल हुए थे, उनको सैक्रिफाइसेस के लिए बहुत ज्यादा रेडी करने के लिए भी सक्सेसफुल हुए थे, बट एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या फिर एक नए फॉर्म के रूप में पॉलिटिकल वर्क को अपने वो मतलब एक रिवॉल्यूशनरी एनर्जी से वो चला सके, इस चीज में वो भी एक फेल्योर साबित हुए थे। सो यहाँ पे ये अगर मॉडरेट्स भी फेल हो गए और एक्सट्रीमिस्ट भी फेल हो गए तो वहां पे फिर गवर्नमेंट ने उसके बाद उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया था, तो एक टाइम के लिए ये लोग सारे फेड अप हो गए थे। मतलब यहां से इनको फेडेड आप कहा जा सकता है कि बिल्कुल शांत हो गए थे ये लोग, और फिर उसके बाद ये जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो है वो ऊपर आना शुरू होता है। सो जो पहला फेज था उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्रांतों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ ये एक्टिविटीज हो रही थी। तो मेनली हम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के बारे में बात करेंगे। अगर आप बंगाल की बात करते हो तो जो पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया था वो किया गया था 1902 में मिदनापुर में। किसके अंडर में? नरेंद्रनाथ बासु के अंदर में, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरा जो था वो कलकत्ता में फॉर्म किया गया था जो कि अनुशीलन समिति के नाम से विख्यात था, और ये जो था किसके द्वारा फाउंड हुआ था? प्रमोता मित्तर एंड इंक्लूडिंग जतेंद्रनाथ बैनर्जी, बरिंद्र कुमार घोष और अदर्स के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अनुशीलन समिति के बारे में आपको जानना है। एक क्वेश्चन आपको ये भी आएगा, अनुशीलन समिति एक ऑर्गेनाइजेशन था या फिर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन था, ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो अनुशीलन समिति जो है एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि बंगाल में जो फर्स्ट 3 सेंचुरी का डेकेड था, 20th सेंचुरी का, उसमें ये अपने रिवॉल्यूशनरी वायलेंस के लिए काफी ज्यादा जाना जाने लगा था, क्योंकि इनका मेन मोटिव ये था कि ब्रिटिश राज को इंडिया से हटाना है। अब ये जो अनुशीलन समिति थी इसके दो आर्म्स थे, एक तो था ढाका अनुशीलन समिति जो कि ढाका में सेंटर था, और दूसरा था युगांतर ग्रुप जो कि कलकत्ता में सेंटर था। तो ये दोनों जो है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि ये अनुशीलन समिति के दो आर्म्स थे। अब ये जो समिति के अगर आप कहोगे कि इनकी आइडियोलॉजी कहाँ से होती थी इंस्पायर, या फिर ये क्या किस मेथड को फॉलो करते थे, तो इनकी जो इंस्पिरेशन थी, इनके जो थॉट या स्पीचेस हैं या राइटिंग्स जो स्वामी विवेकानंद की थी उनसे ये इंस्पायर होते थे, और ये बंकिम चंद्र चैटर्जी के आनंद मत से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। अनुशीलन समिति जो है वो स्टैब्लिश्ड हुई थी प्रमाथनाथ मित्रा के द्वारा, ये याद रखिएगा आप, एक बैरिस्टर थे वो कलकत्ता के। 1902 में इनका जो है ये इन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी, लेकिन उसके बाद ये हेडेड किसके द्वारा होता था? बरिंद्र कुमार घोष जो कि यंगर ब्रदर थे श्री अरविंदो घोष के, और उसके बाद अदर जो नेशनलिस्ट
थे उस वो भी इससे एसोसिएटेड थे, जैसे कि आपके अरबिंदो घोष थे जिन्हें हम श्री अरबिंदो भी कहते हैं, फिर भूपेंद्रनाथ दत्ता इसमें शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि वो स्वामी विवेकानंद के भाई थे भूपेंद्रनाथ दत्ता। और तीसरे थे आपके देशबंधु चित्रंजन दास, फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर, पुलिन बिहारी दास, रास बिहारी बोस, जतेंद्रनाथ मुखर्जी जिन्हें हम बागा जतिन भी कहते हैं, ये मैं आपको बाद में भी इनके बारे में बताऊंगी, ये ध्यान रखिएगा कि बागा जतिन जतेंद्रनाथ मुखर्जी को कहा जाता है। फिर सचिंद्रनाथ सन्याल, जतिन दास एंड विपिन चंद्रपाल, ये सारे जो थे इनके एसोसिएट मेंबर थे। 1905 में ये जो समिति है उसने पहला भवानी मंदिर जो है वो मतलब पब्लिश किया था। भवानी मंदिर मतलब टेम्पल ऑफ गॉडेस भवानी। और फिर इन्होंने एक रिलीजियस सेंचुरी के रूप में इसको जो है वो सेंटर्ड आउट किया ताकि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अपनी चला सके। उसके बाद जो है यहीं पे इसी के एक इनर सर्कल में, अनुशीलन समिति के एक इनर सर्कल के रूप में इन्होंने एक वीकली स्टार्ट किया था जिसे जुगांतर या युगांतर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है न्यू एरा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहली फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है वो 1902 में ऑर्गेनाइज की गई थी, दूसरी थी अनुशीलन समिति, और उसके बाद इसी के इनर सर्कल के रूप में युगांतर जो है वो स्टार्ट किया गया था। रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सन्याल हैड ऑर्गेनाइज्ड एन सीक्रेट सोसाइटी, तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज किया था जो कि पंजाब, दिल्ली और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो अलग थे उनसे, उनके लिए, उनको कवर करता था। बाकी जो थे हेमचंद्र, कनुगो, वो बाहर की तरफ गए थे ताकि वो मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऐसा कुछ लेके आ सके जो कि इनके लिए हेल्पफुल हो सके। आगे है 1907 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट लिया जाता है युगांतर ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा, और वो किसके ऊपर लाइफ अटेम्प्ट करते हैं, एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था सर फुलर, जो कि पहले लूटन गवर्नर थे न्यू प्रोविंसेस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम के। तो इस तरीके से ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होनी शुरू हुई थी ये असैसिनेशन या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर लाइफ अटेम्प्ट से शुरू हुई थी। और उसके बाद हालांकि इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से, फिर भी इन्होंने एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल के ऊपर अटेम्प्ट किया, वो देखना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद इन्होंने शुरू की, मतलब तेजी से इनका जो एक्टिविटीज है वो बढ़ता गया। 1907 में उन्होंने डीरेल करने की कोशिश करी एक ट्रेन को जिसमें लूटन गवर्नर श्री एंड्रयू फ्रेजर जो है वो ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब जो है वो फेंका कैरेज पे, जिसमें उनको ये लग रहा था कि उस समय एक वाइट जज जो थे किंग्सफोर्ड वो बैठे हुए हैं, और ये घटना मुजफ्फरपुर की है, तो उनको लगा इस कैरेज में वो मौजूद हैं और इसीलिए उन्होंने उस पर बॉम्ब फेंका उनको लाइफ अटेम्प्ट के लिए। लेकिन ऐसा मतलब सैडली ये हुआ कि उस समय वो उस कैरेज से उतर चुके थे, और लेकिन जो दो महिलाएं ब्रिटिश लेडीज जो उसमें बैठी हुई थी उनके यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनका ये मोटिव नहीं था, उनका मारने का मोटिव था उस ब्रिटिश को, लेकिन वो दो महिलाएं इसमें मारी जाती हैं। ब्रिटिशर्स को इसमें गुस्सा आता है और उसके बाद उन्होंने अपनी इसकी जो है वो जानबीन और जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी। यहाँ पे प्रफुल्ल चक्की ने अपने आप को शॉर्ट कर लिया, अपने आप को गोली मार ली, और उसके बाद खुदीराम बोस को ट्रायल बेसिस पे मतलब ट्रायल करके और फिर उनको जो है वो फांसी की सजा दी गई। इसके बाद होल अनुशीलन ग्रुप जो था उनको अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि पुलिस को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये पता चल चुका था कि ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। इंक्लूडिंग द घोष ब्रदर्स, सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, अरबिंदो घोष, बरिंद्रनाथ घोष दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था, और उसके बाद उनको ट्रायल किया गया था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। तो ध्यान में रखिएगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत अरबिंदो घोष और बरिंद्रनाथ घोष को ट्रायल किया गया था जो कि अनुशीलन ग्रुप से बिलोंग करते थे। उसके बाद इस केस को, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस को, मनिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं या मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम आपको दे दे आप ध्यान रखिएगा। द घोष ब्रदर्स वेयर चार्ज विद कॉन्स्पिरेसी और वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग, डेफिनेटली इनको ये पता चल चुका था कि इन्हीं का काम है, और उसके बाद इनको जो है वो फांसी से कोई सजा कम इनको दी नहीं जानी थी। चित्रंजन दास ने अरबिंदो घोष को डिफेंड करने की कोशिश की क्योंकि उनके खिलाफ सबूत कम थे। अरबिंदो घोष जो थे उनको सारे चार्जेस से तो बरी कर दिया गया, लेकिन बरिंद्र जो घोष थे उनको
एक मतलब ये माना गया कि ये ही हेड ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी है, मतलब इन्होंने ही मेन जो है वो ये काम किया था। सो इनको एज अ रिवॉल्यूशनरी और उसके बाद उलस्कर दत्त जिनको बॉम्ब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया था, उनको डेथ पेनालिटी दी गई थी। लेकिन बाद में इन्हीं के चित्रंजन दास के मतलब थोड़ा सा डिफेंड करने के कारण ये चीज बदल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दी गई थी। 1908 में इन्होंने एक और काम किया था जो कि 12 डकैती के नाम से जाना जाता था। और ये डकैती किसके द्वारा हुई थी? ये डक्का वाला जो इनका ग्रुप था, आम था, वहां से हुआ था। डक्का अनुशीलन समिति के अंदर हुआ था, जिसकी की लीडरशिप कौन कर रहे थे? पुलिन दास कर रहे थे। और ये इसलिए ये एक्टिविटीज कर रहे थे, डकैती टाइप की चीजें, ताकि ये अपने फंड को रेज कर सकें। ऑफकोर्स रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चलाने के लिए अगर उनको बॉम्ब की जरूरत है तो उसके लिए इनके पास पैसे होने चाहिए बनाने के लिए, इनके पास आर्म्स होने चाहिए, एमिनेशन होने चाहिए, लोग होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तो इसके लिए इनको फंड चाहिए था। और जिसके लिए अब ये गवर्नमेंट से तो मांग नहीं सकते थे, मांगने से मिलने से रहा, कोई टॉप ऑफिशियल पोस्ट पे ये थे नहीं, तो इनको बस डकैती के अलावा और कोई भी चीज सूझ नहीं रही थी। और दूसरी चीज कि वो ये समझते थे कि ये डकैती नहीं है, ये इंडिया की हमारी अपनी संपत्ति है जिसपे वो नजर बढ़ा के बैठे हैं। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने एक बॉम्ब फेंका वायसरॉय हार्डिंग पे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस में एंट्री कर रहे थे तब उस समय उन्होंने उसके ऊपर बॉम्ब फेंका, लेकिन सैडली ये भी इनका जो था ये भी थोड़ा सा मतलब चूक हो गई इनसे, हार्डिंग बस इंजर्ड होके रह गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये भी एक अटेम्प्ट इनका फेलियर साबित हुआ। और उसके बाद इनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होता है कि इन्होंने असैसिनेशन करने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट टू लाइफ पे इन्होंने किया है, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी ट्रायल के अंतर्गत इनको जो है वो अटेम्प्ट किया गया। वेस्टर्न अनुशीलन समिति जो है उस समय उनके पास एक बहुत अच्छे लीडर थे जो कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे, जिन्हें हम बागा जनित के जतिन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये ही नए रूप में, जुगांतर के रूप में, नए एरा के रूप में बहुत ज्यादा विख्यात होने, इमर्ज होने शुरू हुए थे। तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी को लोग ये कहते थे कि ही इज अ युगांतर, जो कि युगांतर या जुगांतर जो भी आपको हो। जतिन को जो है, जतिन ने अपने लिंक जो है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलकत्ता से बढ़ाने शुरू किए, क्योंकि ये दूसरे वाले ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेकिन इनका ये मानना था कि जब तक सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम नहीं लिंक करेंगे तो नेशनल लेवल पे हम ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं चला पाएंगे। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा और अदर प्लेसेस से भी जो है वो ऑर्गेनाइज करना खुद को शुरू किया। इसी समय एक अच्छी बात होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रेकआउट होना। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो युगांतर पार्टी जो है अपने जर्मन जो लोग थे, जर्मन वहां पे, उनसे कांटेक्ट करती है आर्म्स एंड नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि उस समय आना जाना इनका लगा रहता था, संपर्क इनके हो चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो ये क्या कहते थे कि उनसे आर्म्स एंड नॉमिनेशन लेने में, उसकी डीलिंग करने में इनको हेल्प होती थी। जो भी इनका आता था वहां से, मतलब लोग वहां पे इनके मौजूद होते थे, उनसे संपर्क करके ये बहुत सारे हथियार एंड ऑल यहाँ पे मंगाते थे। यहाँ पे जतिन ने रास बिहारी बोस को कहा कि अपर इंडिया में आप चार्ज संभालो, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मतलब ये जो इनका दल बदली होता था ना, ये जो इनका मतलब जो भी कह लो जो बिजनेस था इनका आर्म्स एंड नॉमिनेशन लेने का जर्मन से, उसको कहा जाता था जर्मन प्लॉट या फिर जिमरमैन प्लान, जहां पे ये मतलब इसकी अदला बदली करते थे, मतलब उधर से आर्म्स एंड नॉमिनेशन लेते थे और इधर से इनको जो है वो चीजें देते थे। तो इस तरीके से जहां पे ये बिजनेस ये करते थे उसको जर्मन प्लॉट या जिमरमैन प्लान के नाम से जाना जाता था। इससे रिलेटेड, इस जिमरमैन प्लान से रिलेटेड एक और चीज मैं आपको बाद में भी बताऊंगी, खैर अभी भी मैं बता देती हूँ, बर्लिन इंडियन कमेटी, ठीक है। तो ये जो बर्लिन कमेटी थी वो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ये एस्टैब्लिश की गई थी 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल के द्वारा। और इनकी हेल्प किसके किसने की थी? जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स इनकी हेल्प करते थे, और यही था आपका जिमरमैन प्लान। यहाँ पे क्या था, ये जो रिवॉल्यूशनरी थे उनका ये कहना था कि जो भी इंडियन सेटलर्स हैं अब्रॉड में, वो वॉलंटियर्स यहाँ पे हमें भेजें, यहाँ पे आर्म्स हमें भेजें, ताकि हम यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ने में, इनको यहाँ से इन्वेड करने में हमें जो है वो मतलब यहाँ से भगाने में, हमें लिबरेट करने में हमें मदद मिल सके। ये जो कमेटी है वो प्लान करती थी कि किस तरीके से एक जनरल इंसरेक्शन जो है वो इंडिया में लाया जाए, और उसके बाद किस तरीके से जो बाहर से फॉरेन आर्म्स जो है वो इंडिया में अब्रॉड से भेजा जाए।
इस तरीके से ये सारी चीजें ये शुरू कर चुके थे यहाँ पे। एंड उसके बाद जो जुगांतर पार्टी है उन्होंने अपने फंड रेज करने शुरू किए डकैती करते हुए, एक सीरीज ऑफ डकैती इन्होंने करनी शुरू करी एक के बाद एक, जिसे कहा जाता था टैक्सी कब डकैती या फिर बोट डकैती, सो एज टू वर्क आउट द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। मतलब कि इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी से मतलब इसको चलाने के लिए, मतलब ये जिमरमन प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इनको फंड की भी जरूरत थी। सो इन्होंने जो सीरीज ऑफ डकैती करी उसे टैक्सी कब डकैती या बोट डकैती कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली इनका ये जो प्लॉट है, ये जो प्लान है, किसी ने तो मतलब इनको धोखा दिया, किसी ने तो इनको मतलब डिच किया, और यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये बात जो है वो लीक हो गई एक ट्रेटर के द्वारा। सो पुलिस ये जान चुकी थी कि ये कंसाइनमेंट कहाँ पे आना है, ये प्लॉट कौन सा है। तो यहाँ पे पुलिस जो है वो बाघा जतीन जो अपने कंसाइनमेंट के लिए वेट कर रहे थे बालासोर में कि यहाँ से डिलीवरी होनी है जर्मन आर्म्स की, तो वहां पे वो पकड़े जाते हैं। जतीन और उनके एसोसिएट्स जो हैं वो पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है, उनको लोकेट कर लेती है, और उसके बाद बहुत बड़ी गन फाइट होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो या तो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। तो जर्मन प्लॉट जो है वो भी फेल हो जाता है, जिमरमन प्लान जो है वो भी फेल हो जाता है। जतिन मुखर्जी को गोली लगती है, बट वो एक हेरोइक डेथ उनकी होती है, ऐसा नहीं कि बुजदिलों की तरह नहीं मरते, एक हीरोइज्म की तरह वो बहुत ही लड़ाई करते हुए उनकी डेथ होती है बालासोर में, जो कि ओडिशा कोस्ट में सिचुएटेड है, सितंबर 1915 में। उनकी एक वर्डिंग थी, वी शैल डाई टू अवेकन द नेशन, नेशन को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए हमें सोना होगा, मतलब हमें मरना होगा, ये बाघा जतीन ने कहा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर और जनरल्स की आप बात करते हो जिन्होंने एडवोकेट किया था, वकालत करी थी इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की, जो इसके बारे में लिखते थे, उसमें आपका संध्या और युगांतर शामिल था बंगाल का, और काल्स शामिल था, महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था ये। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी महाराष्ट्र में, वो सबसे पहला तो रामोसी पेजेंट फोर्स जो था वो वासुदेव बलवंत फाड़के ने ऑर्गेनाइज किया था 1879 में, जो कि अपने कंट्री को ब्रिटिशर्स से रेड आउट करना चाहती थी। उसके बाद इनको भी फंड की जरूरत होती थी, तो ये भी डकैती करके ही अपने फंड को रेज करते थे, लेकिन इनको बहुत ही प्री मैच्योरली सप्रेस कर दिया गया था। प्री मैच्योरली मतलब समय के बहुत पहले ही ये सप्रेस्ड किए जा चुके थे। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आता है, वो है बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने भी रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज है उसको एज अ नेशनलिस्ट चीज जो है वो लोगों में लाने के लिए, एक पैट्रियोटिक फीलिंग, एक जो हिंदुइज्म वाली फीलिंग है वो लोगों में जागृत करने के लिए, एक मिलिटेंट नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों में लाने के लिए उन्होंने वायलेंस का भी यूज किया, और गणपति और शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने मनाना शुरू किया ताकि लोगों में एक हिंदुइज्म ही सही, एक जो पैट्रियोटिक मिलिटेंट नेशनलिज्म वाली फीलिंग है वो जागृत हो। फिर उनके जनरल्स जो प्रकाशित होते थे जिसका नाम केसरी और मराठा था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर था, जो लोगों को अवेकन करने के लिए काफी ज्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल होता था। इनके दो डिसाइपल्स थे, एक चापेकर ब्रदर्स जो थे दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने इनकी मतलब जो वायलेंट एक्टिविटी है उसको भी काफी ज्यादा मतलब अटेम्प्ट किया था। एक तो इन्होंने जो प्लेग कमिश्नर उस समय थे पुणे के, उनके ऊपर मर्डर का जो है वो ट्रायल किया था, और दूसरे लूटेंट अरेस्ट जो थे 1897 में, उनके ऊपर इन्होंने मर्डर की जो है कोशिश करी थी। सावरकर और उनके ब्रदर्स जो थे उन्होंने मित्रा मेला ऑर्गेनाइज किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा, मित्रा मेला जो है वो सावरकर ब्रदर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि 1899 में ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, और वो बाद में चल के 1904 का टाइम पीरियड आते आते वो अभिनव भारत से जो है वो मिल गई थी। तो अभिनव भारत से ये जो मित्रा मेला है वो मर्ज हुई थी, दैट इज अ मतलब ट्रू स्टेटमेंट, और ये मर्ज हुई थी 1904 में। सून मतलब बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि नासिक, पुणे और बॉम्बे को जो है वो बॉम्ब मैन्युफैक्चरर के रूप में जाना जाने लगा। ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि यहीं पे जो ये बॉम्ब है ये बनाते हैं, और यहीं से ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो इसको अंजाम देते हैं। आफ्टर दैट इन्होंने एक ये बात समझ ली थी कि किलिंग जो है इनकी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट बन चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर इनकी कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से यहां से चली जाए। सो जो सावरकर जो थे अपने दो भाइयों के साथ
उनको मतलब वो क्या करते थे, लोगों को अपना ब्रेन देते थे, उनको लीडरशिप करते थे। और उसके बाद मूविंग स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए ये कहा जाने लगा कि सावरकर ही इनके ब्रेन माइंड थे। मतलब ये वाले जो मूविंग स्पिरिट ऑफ कॉन्स्पिरेसी का अगर कोई जन्मदाता था तो वो सावरकर था, ऐसा मतलब जांच पड़ताल करने पर अंग्रेजों को मालूम चला। और उसके बाद ट्रायल के बेसिस पे सावरकर को जो है उनको ट्रांसपोर्ट मतलब उनको सेंटेंस कर दिया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है उनसे छीन ली गई थी। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ वाली चीज है ना, एक अल्टरनेटिव पनिशमेंट होती थी। मतलब आप उनको हैंग ना करके ट्रांसपोर्ट कर देते थे। मतलब जो कॉन्विक्टेड क्रिमिनल्स होते थे वो कॉलोनीज में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते थे ताकि वो अपना जो प्रिजन सेंटेंस है उसको वो सर्व कर सके, उसको वो पूरा कर सके। यहाँ यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता था कि मतलब ये जो क्रिमिनल है, ये जो जिनको भी इन्होंने कॉन्विक्ट किया, एक तो उनको सोसाइटी से और ये इन सब चीजों से ये रिमूव कर देते थे, और दूसरा ये इनके लिए काफी ज्यादा मतलब इजी होता था, काफी ज्यादा चीप होता था, क्योंकि बस इनको कॉस्ट ऑफ जर्नी जो होती थी वो ही पे करनी होती थी, इससे ज्यादा इनको कोई खर्चा आता नहीं था। और दूसरी बात कि इनको पूरे लोगों से अलग कर दिया जाता था। फिर है पंजाब में, पंजाब में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी। सो जो पंजाब है वहां पे ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा हद तक प्रभावित दूसरे फैक्टर्स से भी थी। जैसे कि वहां पे जो इश्यूज चल रहे थे उसमें से फमाइन वाली स्थिति थी, फ्रीक्वेंट फमाइन आ रहा था बहुत ज्यादा, अक्सर वहां पे अकाल वाली स्थिति देखी जा रही थी। उसके बाद एक तो अकाल है और ऊपर से लैंड रेवेन्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होता था, जमींदार जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू लेना शुरू कर चुके थे। उसके बाद जो आपके मनी लेंडर्स थे उनके चंगल में ये जो आपके पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो फंस चुके थे। वो इतना ज्यादा उनसे लोन ले लेते थे कि वो उनको चुका नहीं पाते थे और उनकी जमीनें जो है उनके हाथ से छिन जाती थी। अब अकाल पड़ता था तो उनको सिंचाई की जरूरत होती थी, तो इरिगेशन टैक्स उनको देना पड़ता था जो कि काफी ज्यादा था। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ बेगार बाय जमींदार से ये शुरू हो गया था। बेगारी प्रथा क्या थी कि उस समय जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो लोगों को बिना पेमेंट दिए ही काम करने के लिए मजबूर करते थे। मतलब एक तो आप पेमेंट देता है कोई तब आप काम करते हो, वो लोग कहते थे बेगारी खटने के लिए, मतलब कि आपको हम पैसे भी नहीं देंगे और आपको काम करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती कराया जाता था। और खासकर ये मतलब जो बंगाल में जो इवेंट्स हो रहे थे उसके उससे भी ये काफी ज्यादा प्रभावित था ये एरिया, और बेगारी वाली प्रथा से भी ये काफी ज्यादा प्रभावित था। उसके बाद अमंग दोज एक्टिविटीज यहाँ पे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह का नाम बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपने आप को इन चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रखा था। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक्सट्रीमिस्ट अंजुमन ए मोहिस्बान ए वतन, लाहौर में इसकी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने करी थी। और उसके बाद इसके अंदर ही इन्होंने एक जनरल की मतलब इस्टेब्लिशमेंट करी थी, भारत माता की ये प्रकाशित करते थे। तो पहले वर्ल्ड वॉर में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रास बिहारी बोस जो है वो इन्वॉल्व थे एज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ गदर रिवॉल्यूशन। तो रास बिहारी बोस भी यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। एंड 1913 के टाइम पीरियड आते आते जो रास बिहारी बोस थे वो जतिन से मिलते हैं। सो यहाँ पे वो लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, एक ऑल इंडिया आर्म्ड राइजिंग, जो कि 1857 का जो कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है, जिसने मतलब ब्रिटिश इंडिया को काफी ज्यादा रिफॉर्म लाने के लिए मजबूर कर दिया था, काफी ज्यादा बड़ा झटका दिया था। क्यों ना हम भी ऐसा कोई ऑल इंडिया आर्म्ड राइजिंग करें। लेकिन इनका जो ये प्लान है रिवॉल्यूशन का वो सक्सीड नहीं हो पाता है। और उसके बाद रास बिहारी बोस को ये पता चल जाता है अब इंडिया में रह के ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रेस कर देगी या हैंग कर देगी या बाहर भेज देगी। तो ये बाहर की तरफ, जापान की तरफ चले जाते हैं 1915 में। ये डर के नहीं भागते, ये बस इसलिए भागते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि अभी इनका यहां रहना सेफ नहीं है। बाद में जाके इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडेशन में। जब हम सेकेंड फेज डिस्कस करेंगे तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। आफ्टर दैट अगर आप कहते हो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो अब्रॉड में हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये एक्टिविटीज हो रही थी, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो जो अब्रॉड में बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो जारी थी। अब यहां से लोग क्या है, यहां से जैसे बोस भागे थे, यहां से चले गए थे, उसी तरीके से जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे वो काफी ज्यादा फ्लड होना शुरू हो गए थे सेल्टर के लिए, या फिर मतलब रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर को बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लाने के लिए, या फिर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, या फिर अलग अलग चीजों से के कारण ये जो है इंडिया से बाहर जाना शुरू हो गए थे।
अब बात आती है श्याम जी कृष्ण वर्मा की। उन्होंने लंदन में 1905 में एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। ये था एज अ सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट, अ स्कॉलरशिप स्कीम टू ब्रिंग रेडिकल यूथ फ्रॉम इंडिया एंड अ जर्नल द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है इन्होंने लानी शुरू करी। तो यहाँ पे इनका ये था कि जो भी रेडिकल यूथ है, जो भी उग्र है, मतलब युवा यहाँ के इंडिया से, वो इनको अट्रैक्ट हो और इनसे ज्वाइन हो यहाँ पे। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसे 1905 में लंदन में शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा, और इसे इंडिया हाउस भी कहा जाता था। रिवॉल्यूशनरी जो सावरकर और हरदयाल जैसे लोग थे, वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी किए और इसके मेंबर भी बने। उसके बाद एक नाम आता है मदन लाल ढिंगरा का। उन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था इंडिया ऑफिस ब्यूरोक्रेट जो कि उस समय कर्जन बिली थे, 1909 में उन्होंने उनका असैसिनेशन करने का मतलब ट्राई किया था और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। न्यू सेंटर्स जो है वो कॉन्टिनेंट में इमर्ज होने शुरू हुए थे, जैसे कि पेरिस और जिनेवा का नाम आता है। तो यहाँ पे पेरिस और जिनेवा से मादम भिखाजी कामा जो है, जो कि पारसी रिवॉल्यूशनरी थी, उन्होंने अपने बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स जो है वो डेवलप करने शुरू किए थे फ्रेंच सोशलिस्ट के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम भी लाना शुरू किया था, जिसको कि अजीत सिंह ने पंजाब में ऑपरेट किया था। ठीक है, तो ये इनके जो है मतलब कुछ ऐसे प्रकाशन होते थे जो कि इनको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को इनको बढ़ाने में मदद करता था। अब गदर पार्टी के बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गदर एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था, सबसे पहला स्टेटमेंट यही आता है। क्या ये एक ऑर्गेनाइजेशन था? नहीं, गदर पार्टी एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जो कि ऑर्गेनाइज होता था अराउंड एक वीकली न्यूज़पेपर, मतलब इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था। सो गदर जो है इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके ब्रांचेस जो है काफी ज्यादा यूएसए में, ईस्टर्न कोस्ट में और फार ईस्टर्न कोस्ट में जो है वो सिचुएटेड थे। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, मेनली इनमें कौन कौन शामिल होते थे? जो एक्स सोल्जर्स रहते थे या फिर जो पेजेंट्स थे जो कि यहां से माइग्रेट होके पंजाब से यूएसए गए थे या कैनेडा गए थे। आज भी आप देखोगे कि अगर कैनेडा की बात करते हो तो आपको बहुत सारे पंजाबी वहां पे मिलेंगे, 50% तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वहां पे क्या, अगर इंग्लिश में कनाडियन में कुछ लिखा है तो मतलब पंजाबी में भी लिखा मिलेगा, इतनी पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। तो लोग यहाँ से अकाल एंड ऑल से पंजाब में लोग त्रस्त थे, तो यहाँ से भाग के वो वहीं गए थे, कनाडा ही गए थे कि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहां पे उनको मिलेगी। उसके बाद यूएसए और कनाडा के सिटीज में भी, या वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट जो था वहां पे इनके सेंटर्स काफी ज्यादा, खासकर सिएटल में जो है इनके सेंटर्स काफी ज्यादा थे। प्री गदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो किसके द्वारा कैरी आउट होती थी? रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाखड़ा, लाला हरदयाल, जो कि वहां पे 1911 में पहुंच चुके थे। अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को जारी रखने के लिए उन्होंने स्वदेश सेवक फोरम की जो है वो स्थापना करी थी, और वैंकूवर में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और उसके बाद सिएटल में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो स्वदेश सेवक होम है वो कहाँ पे सेटअप हुआ था, और यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कहाँ पे सेटअप हुआ था, और ये क्या था? सो ये गदर रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो थे, एक्टिविटीज जो थे उसको जारी रखने के लिए इन्होंने इसको सेटअप किया था, और फाइनली 1913 में गदर वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद द गदर प्रोग्राम वॉज टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब ये जो गदर पार्टी थी, ये जो गदर प्रोग्राम होते थे, उनका मेन मोटिव क्या होता था कि ऑफिसर्स को, जो मेन मेन ऑफिसर्स हैं उनको असैसिनेट करना है, उनका मर्डर करना है। उसके बाद वो पब्लिश करते थे रिवॉल्यूशनरी और एंटी इंपेरियलिस्ट लिटरेचर, मतलब ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ ये बात करते थे। एंड उसके बाद वो इंडियन ट्रूप्स के साथ जो बाहर में काम कर रहे थे उनके साथ मिलके ये इन चीजों को अंजाम देते थे, और उसके बाद आर्म्स एंड अमुनिशन तो वहां से वो मंगवा ही रहे थे अपनी इन एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए। गदराइट जो थे उन्होंने एक रिवॉल्ट लाने की कोशिश करी इंडिया में, और इसके लिए इनको हेल्प मिली दो इवेंट से। सबसे पहला तो 1914 में जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ, और दूसरा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन दो चीजों ने इनको काफी ज्यादा एनकरेज किया। अब जानिए कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था,
और इसका गदर पार्टी से क्या रिलेशन था। सो जो ये एक था, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफी ज्यादा जाना जाता है, जिसने एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन पंजाब में क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि ये जो कोमाघाटा मारू था, ये और कुछ नहीं, ये एक शिप का नाम था जिसमें कम से कम 370 पैसेंजर्स सवार थे, और मेनली उसमें कौन थे? सिख थे पंजाब के, और पंजाबी मुस्लिम थे जो थे इसमें, वुड बी इमिग्रेंट जो थे वो इसमें शामिल थे, और वो सिंगापुर से वैंकूवर की तरफ जा रहे थे। कनाडा वाला जो रीजन है वैंकूवर, वहां की तरफ ये जा रहे थे सिंगापुर से। लेकिन कनाडियन अथॉरिटी को ये कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने उनको काफी ज्यादा बरगला दिया था और उनको कहा था कि आप उनको वहां पे पहुंचने मत देना, वहां पे उतरने मत देना। सो कनाडियन अथॉरिटी ने उनको वापस भेज दिया कि नहीं, आप यहाँ पे डिपोर्ट नहीं हो सकते हो। सो यहाँ पे ये कहा जाता है कि उस 2 महीने की जर्नी के बाद वो वहां पहुंचे थे और उनको भूखे प्यासे ऐसे ही वहां से टर्न बैक कर दिया गया था। फाइनली ये जो है शिप, ये कलकत्ता पहुंचता है सितंबर 1914 में। लेकिन यहाँ पे ये जो इनमेट्स थे वो पंजाब बाउंड ट्रेन को बोर्ड करने से भी इनकार कर देते। तो ये कोमाघाटा मारू इंसिडेंट काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, और उसके बाद ये एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बन जाती है। जो यहाँ पे पुलिस थे और लोग थे उसमें झड़प हो जाती है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की जो है वो मृत्यु हो जाती है। सो इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली चीज हो जाती है। तो इन्होंने, गदराइट्स ने ये सोचा कि भाई अब हम एक वायलेंट अटैक करेंगे ब्रिटिशर्स पे। तो इन्होंने जो भी फाइटर्स थे वहां पे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे यूएसए में, या फिर जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल थे सिएटल में या फिर अलग अलग जगहों पे, वहां पे इन्होंने कहा कि अब फाइटर्स को आप इंडिया भेजो। सो करतार सिंह सराभा और रघुबर दयाल गुप्ता, ये सारे इंडिया की तरफ रवाना होते हैं। और उसके बाद बंगाल में रिवॉल्यूशनरी को ये कांटेक्ट करते हैं, जिसमें राज बिहारी बोस और सचेंद्रनाथ सन्याल शामिल थे, और उनको कहा जाता है कि हम यहाँ से लोग भेज रहे हैं और आप मूवमेंट को जो है वो लीड करना शुरू करो। सो अब यहाँ पे फंड रेजिंग की अगेन समस्या आती है, और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल डकैती जो है वो कमिट करनी शुरू कर दी। सो बहुत सारी डकैतीज जो है इन्होंने अलग अलग तरीकों से करी, और गदराइट्स ने फिक्स किया था फरवरी 21, 1915 को एज अ डेट फॉर एन आर्म रिवॉल्ट इन फिरोजपुर, लाहौर एंड रावलपिंडी। मतलब इन्होंने कहा था कि भाई हम इस दिन तो आर्म रिवॉल्ट करेंगे, लेकिन फिर से ये इनका जो प्लान है ये काफी ज्यादा अनसक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रेजरी। मतलब कोई तो इनको धोखा देता है, कोई तो इनका रहता है जो घर का भेदी लंका ढाए वाला हाल होता है वही, तो कोई ना कोई जाके ये बता देता है ऑफिशियल्स को, और उसके बाद ये जो अथॉरिटीज थे ब्रिटिश अथॉरिटीज वो एक इमीडिएट एक्शन लेते हैं, और जितने भी लोग थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, और ये एडेड होता है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1915 के द्वारा। सो After that, रास बिहारी बोस जो है वो यहाँ पे जापान की तरफ रुख कर देते हैं, क्योंकि अब इनको पता था कि अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। एंड उसके बाद जो सचिंद्रनाथ सन्याल थे उनको अगेन ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ वाला हाल, जो मतलब उनको बाहर भेज दिया जाता है, और मतलब एक तरीके से वो हैंग ना करके ये सजा उनको दी जाती है। सो जो अचीवमेंट थी गदर मूवमेंट की, आप अगर कहोगे कि ये किस हद तक सक्सेसफुल थे, तो सिर्फ आइडियोलॉजी के सेंस में एक सक्सेसफुल थे ये, क्योंकि इन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म वाली चीज जो है लोगों में काफी ज्यादा लाने में ये सक्सेसफुल रहे थे, एक सेकुलर अप्रोच लेने में ये सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन पॉलिटिकली और मिलिट्री ये काफी ज्यादा फेल्ड हुए थे, बिकॉज इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर लीडरशिप थी वो सस्टेन्ड नहीं थी, वो मतलब काफी ज्यादा हद तक चली नहीं। और उसके बाद इनका जो प्रिपरेशन था वो काफी ज्यादा लो लेवल का था, ऑर्गेनाइजेशन या आइडियोलॉजिकल या फाइनेंशियल टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो थी इनकी वो काफी ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। और ऐसा कहा जाता है कि लाला हरदयाल जो थे एक ऑर्गेनाइजर के रूप में एक फेल्योर साबित हुए थे। अगर उनकी जगह शायद कोई और इसको लीड कर रहा होता, ऑर्गेनाइज कर रहा होता, तो शायद आप कह सकते हो कि ये सक्सेसफुल हो सकता था गदर, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी इन यूरोप की अगर आप बात करते हो, तो जैसे कि जिमरमैन प्लान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्टैब्लिश की गई थी 1915 में 3 लोगों के द्वारा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इनमें हेल्प इनकी करी थी जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स ने, जिमरमैन प्लान के अंतर्गत इस कमिटी की स्थापना की गई थी। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे वो इनका एम होता था कि जो भी इंडियन सेटलर्स हैं अब्रॉड बाहर में रह रहे हैं वो इनको वॉलंटियर्स भेजें, आर्म्स भेजें, एमुनिशन भेजें इंडिया में, ताकि ये जो रिबेलियन है अमंग द इंडियन ट्रूप्स वहां पे वो उसको ऑर्गेनाइज कर सके, और उसके बाद एक आर्म्ड इन्वेजन वो यहां पे कर सके, ताकि ब्रिटिश इंडिया को वो लिबरेट कर सके, इस कंट्री से उनको भगा सके।
इंडियन रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप सेंट मिशन टू बगदाद ऑल्सो, पर्सिया, टर्की, काबुल, ताकि वहां के ट्रूप्स को भी वो इनकरेज कर सके, या फिर जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, POWs थे, उनको वो इनकरेज कर सके और उनमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग ला सके, उनको अंग्रेजों के खिलाफ भड़का सके और उसके बाद उनकी हेल्प ले सके। सो जो भी लोग यहाँ की हमारी कंट्री से वहां पे मतलब रखे गए थे। सो द मिशन अंडर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बराकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी, ये लोग काबुल गए थे और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट, ताकि वो हेल्प, और उनकी हेल्प कौन करी थी, वहां के जो क्राउन प्रिंस थे अमानुल्ला, उन्होंने इनकी हेल्प करी थी। म्यूटनी एक सिंगापुर में भी होती है, क्योंकि यहाँ पे इनको जो है मोस्ट नोटेबल ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री के जो हैं जवान वो शामिल थे और 36 सिख बटालियन अंडर जमादार किस्ती खान, जमादार अब्दुल गानी और सूबेदार दौद खान भी इसमें शामिल थे। इट वॉज क्रश्ड आफ्टर अ फियर्स बैटल इन विच मेनी वर किल्ड, तो मतलब इसको भी सप्रेस कर दिया था अंग्रेजों ने और बहुत सारे लोगों को फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया था और उसको ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ वाली पनिशमेंट दी गई थी। तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भी क्रश्ड हो गया था। अब अगर डिक्लाइन की बात आती है तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज डिक्लाइन क्यों हुई, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो तीन मेन रीजन आप इसके दे सकते हो। सबसे पहला रीजन ये था कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने एक चीज लाई थी, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसके द्वारा ये होता था कि जितने भी प्रिजनर्स होते थे उनको वापस भेज दिया जाता था, रिलीज कर दिया जाता था। तो इसके कारण लोगों का टेम्पर थोड़ा सा जो है ना डाउन हो गया था, थोड़ा सा गुस्सा इनका शांत हो गया था और इसीलिए इनका पैशन जो था कि इंडिया को लिबरेट कराना है ब्रिटिश अथॉरिटीज से, वो इनका थोड़ा सा काम डाउन हो गया था, थोड़ा सा कूल डाउन हो गया था और ये ज्यादा ध्यान नहीं देने लग गए थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पे। दूसरी बात ये थी कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने की बात हो रही थी 1917 में, जब ये सारी प्लानिंग के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में ये लोग सुन रहे थे, तो इनको ये लग रहा था कि चलो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने वाला है, अब हमें भी कुछ भागीदारी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन को थोड़ा सा मतलब रिकग्निशन मिलेगा और ये सारी चीजें। तो अब इनका जो मेन होता है ना सेंटर जो था इनका, वो एक यहां से हटके, एक्टिविटीज से हटके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे इनका एजेंडा जो है वो फिक्स हो गया। एक हाईलाइट जो आप कहते हो वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रह गया, इनका एक्टिविटीज पे ये बहुत कम ध्यान देने लगे थे। और तीसरी बात ये थी कि 1915 में जब गांधी जी इंडिया आ चुके थे तो 1916 में उन्होंने एक अपना जो चंपारण सत्याग्रह तो उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया था, और उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर नॉन वायलेंट मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हो रहा था, तो उससे लोगों का ये भी उनके तरफ वो अग्रसर हो रहे थे कि अगर बिना वायलेंस के हम जीत सकते हैं तो फिर हमें ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, ये मर्डर प्लानिंग और ये असैसिनेशन करने की जरूरत क्या है। तो वो गांधी जी के सीन से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होने लग गए थे कुछ लोग, और नए नए लीडर्स भी इमर्ज होने शुरू हो गए थे, और इस कारण भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में डिक्लाइन देखने को मिला। सो दीज वेर द मेन रीजंस एंड आई होप यू गॉट टू नो अबाउट दिस। एंड अगेन आई वुड से बिफोर लीविंग दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइबड अन अकेडमी प्लस देन डू इट, यूज द रेफरल कोड रैंक 10 सो दैट यू गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑल्सो, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट यू हैव ओवर हियर, 100% सिलेबस कवरेज के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, सारे लैंग्वेज में ये मौजूद है आपके लिए। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आप जो है यूपीएससी YT का कोड भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्लीज यूज द कोड रैंक 10। ओके, इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ, टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।